दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुछ समय पहले सोशल मीडिया में सर रतन टाटा जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिए जाने की मांग की जा रही थी। लेकिन सर रतन टाटा जी ने इस कैंपेन को बंद करने की मांग करते हुए कहा कि वे एक भारतीय होने में खुद को भाग्यशाली मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में अब तक केवल एक ही उद्योगपति को भारत रत्न से नवाजा गया है? जी हाँ, और वह भी रतन टाटा जी के परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जिनका नाम है जेआरडी टाटा। जेआरडी टाटा जी को भारत में सिविल एविएशन इंडस्ट्री का जनक भी कहा जाता है। सन 1929 में वो भारत के पहले ऐसे व्यक्ति बने थे जिन्हें हवाई जहाज चलाने का लाइसेंस मिला था। इसी के साथ जेआरडी टाटा जी ने कर्मचारियों के कल्याण के लिए कई काम किए, जैसे ड्यूटी की 8 घंटे की समय सीमा, फ्री मेडिकल सुविधा और भविष्य निधि योजना। सन 1992 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जेआरडी टाटा जी के इन कामों के लिए 1 लाख तो बनता है। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें। जय हिंद।